मैं एक महिला कांस्टेबल हूँ, जनपद हमीरपुर में तैनात हूँ, कार्यालय DCRB में। मेरी समस्या सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मेरा 3 साल से DCRB में पोस्टिंग है। मेरी अनावश्यक ड्यूटी लगाई जाती थी, मुझे इतना परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी कोई समस्या नहीं सुनता, मैं जिस अधिकारी के पास पेश होने जाती हूँ मुझे पगार दिया जाता है। मैंने अपनी समस्या बताने की बहुत कोशिश करी पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुझे लोगों ने बहुत टॉर्चर कर दिया। मेरी इतनी अनावश्यक ड्यूटी लगाई जाती है, मुझे फ़ोन कर करके परेशान करा जाता है ड्यूटी के लिए। पुलिस ऑफिस में और भी लड़कियां हैं, महिला कांस्टेबल सावित्री है जिसकी आज तक 4 साल में कहीं भी ड्यूटी नहीं लगाई गई, क्योंकि वो स्टेनो साहब की मैडम है, वो भी तो महिला कांस्टेबल है, उसकी ड्यूटी क्यों नहीं लगती? उसे भी तो तनख्वाह मिलती है नौकरी करने की। हम लोगों को ये अनावश्यक परेशान किया जाता है, वो और उसका पति मिलकर मेरा टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे अनावश्यक परेशान करते हैं, मेरे लिए षड्यंत्र रच कर मेरे परिवार से रिपोर्ट दिलवाती और मेरा ट्रांसफर चिकासी करवा दिया दोनों ने मिलकर। मुझे अनावश्यक बदतमीजी करते हैं स्टेनो साहब, जब मैं अपनी ड्यूटी कटवाने जाती हूँ तो मुझसे ये कहते हैं, गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं, ड्यूटी नहीं करोगी क्या? अपर साहब से जाकर बात करो, अपर साहब के सामने पेश नहीं होने दिया जाता। मैंने इसलिए परेशान होकर कल चेयर खा लिया और फिर भी बच गई। और मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जो मुझे सारी लड़कियों के ट्रांसफ़र किए थे कप्तान साहब ने, सबको रोक दिया, मुझे नहीं रोका, मेरा इतनी दूर ट्रांसफ़र कर दिया जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं काम नहीं करती। तो ADG साहब मुझे इनाम देकर गए थे, वो मुझे कभी देकर नहीं जाते। मुझे अनावश्यक रूप से परेशान करा जा रहा है, जब मैं कप्तान साहब के सामने पेश होने गई तो वहाँ भी पेश नहीं होने दिया। अच्छा सवाल नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वो मुझे कभी देखकर नहीं जाते, मुझे अनावश्यक रूप से परेशान करा जा रहा है, जब मैं कप्तान साहब के सामने पेश होने गई तो वहाँ भी पेश नहीं होने दिया। अच्छा सवाल नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? स्टेनो साहब के यहाँ साथ में जो लोग ड्यूटी लगाते हैं वो लोगों से पैसे लेके उनकी ड्यूटी काट देते हैं और हम लोगों को अनावश्यक परेशान करते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ जिंदगी से, और लोग मेरा टॉर्चर कर रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी कैसा मिशन शक्ति चल रहा है जिसमें पुलिस वाली महिलाएं सेफ नहीं है तो दूसरी महिलाएं क्या सेफ होंगी? हम उन्हें क्या समझाएंगे मिशन शक्ति के बारे में जब खुद हमारा इतना शोषण हो रहा है? मैं अनावश्यक परेशान करा जा रहा है, कप्तान साहब ने सारी लड़कियों की ट्रांसफ़र रोक दी है, सिर्फ मुझे छोड़ के किस आधार पर रोके? सिर्फ मेरी ऐसी कौन सी शिकायत थी जो मुझे रोका नहीं गया? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कैसा मैं सुन सकती जिसमें मेरा इतना शोषण हो रहा है? मैं दूसरे लोगों को पुलिस में रह के क्या सलाह दूंगी जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ? तो इसलिए ये सब चीज़ों से दूर हटने के लिए सब पुलिस वालों में यही होता है, आत्महत्या कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।